हेलो गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग जी सर्च। तो आज मैं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं जो लोग मिडिल ईस्ट में पहले काम करने के लिए इंटरेस्टेड रखते हो और जो लोग अभी इंडिया में बैठ के सोच रहे होंगे क्या इंडिया जो मिडिल ईस्ट का जो इंटरव्यू होता है बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, बहुत चुन चुन के लड़का लेता है, जो ऐसा एक थॉट आपके दिमाग में है तो आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा सुनने का बाद। ये एक्चुअली आपका जो प्रोसेस है ये प्रोसेस बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा कुछ सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कुछ सिस्टम फॉलो किया तो आपको जल्दी जॉब मिल जाएगा, और ये जॉब कैसे मिल जाएगा ये मैं बताऊंगा, तो देखते रहिए मेरा वीडियो तो आपको पता चल जाएगा पूरा। तो इसलिए मैं कुछ मेरा वीडियो पे कुछ फ़ोटो भी आज शेयर करूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसा कैंडिडेट होता है मिडिल ईस्ट काम करने के लिए। एक्चुअली आप लोगों को पता है मिडिल ईस्ट में जो लोग काम करने के लिए आता ही रहता है, ये जो स्किल लेबर होता है ना ये लोग ज़्यादा रहता है। तो स्किल लेबर बोले तो क्या है, मान लीजिए जो लोग होटल वर्कर है, जो लोग पेंटर है, जो लोग ड्राइवर है, जो लोग लॉन्ड्री में काम करते रहता है, जो लोग मान लीजिए सिविल वर्कर्स है, जो लोग इलेक्ट्रिकल काम करते रहता है, ये जो जितना भी आदमी है ना ये सब होता है आपका स्किल लेबर। तो स्किल लेबर होने के नाते इन लोग का क्या है, ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं होता है बट इन लोग का काम के बारे में नॉलेज ज़्यादा होता है। तो ऐसा ही आदमी लोग मिडिल ईस्ट में उसका करियर बनाता है। मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आपका एजुकेशन भी बहुत अच्छा है, क्वालिफाइड आप एक बंदा हो, तो आप 100% आप मिडिल ईस्ट में नहीं आओगे। आप कोशिश करोगे यूरोप और अमेरिका जाने के लिए, कनाडा जाने के लिए। बट जो मिडिल ईस्ट होता है ना ये थोड़ा बहुत पैसा आप लोगों को मिलेगा। तो इसलिए कौन आदमी लोग मिडिल ईस्ट में आता है, जो जिसके पास पैसा ज़्यादा नहीं होता है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा नहीं होता है, जिसके पास एजुकेशन ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, वो लोग आता है मिडिल ईस्ट में काम करने के लिए। तो आज में मेरा टॉपिक है ये जो मिडिल ईस्ट में जॉब जैसा मिलते रहता है ना वो कैसे मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए मैं आज वीडियो में आपको बताऊंगा ये कैसे आपको जॉब मिलने वाला है। बहुत इजी दो चार स्टेप्स है, आपको अगर फॉलो करना है तो आपको आसान से ये जॉब आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं बताऊंगा ये एक्चुअली कैसा होता है मिडिल ईस्ट का जो काम होते रहता है ना, जो काम होते रहता है। तो ये काम बहुत मतलब मान लीजिए आप इंडिया में कुछ भी काम करते रहते हो तो इधर जो काम होता है मिडिल ईस्ट में इसका जो काम है बहुत सिस्टमेटिक काम होते रहता है, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट के काम के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे फर्स्ट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना ये आपको पासपोर्ट चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर पासपोर्ट है और थोड़ा बहुत आपके पास क्वालिफाइड आप है, 12th क्लास पास किया है तो आप लोग आ सकते हो, ठीक है। आपको काम करने का एक्सपीरियंस चाहिए, क्या जो भी ट्रेड में आप काम करना चाहते हो, 2 साल 2.5 साल 3 साल कुछ भी, आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये आपको एकदम होना चाहिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है काम का तो आप ऑटोमेटिकली आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है आने के बाद। तो अभी मैं कुछ फोटो शेयर कर दूंगा मेरा वीडियो पे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन आदमी लोग इधर मिडिल ईस्ट पे आते रहता है। इतना क्राउड होता है ना जो इंटरव्यू क्लाइंट इंटरव्यू होते रहता है मिडिल ईस्ट के लिए इंडिया से, तो बहुत ज़्यादा उधर क्राउड रहता है। मेरा एक खुद का एक एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। मैं गया था नोएडा पे, मैं नोएडा पे इंटरव्यू देने के लिए गया था। तो क्या हुआ था उधर मैं आपको अभी लाइव बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ था। एक्चुअली मैं नोएडा पे दीवान कंसल्टेंट से एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया गया था शायद आलसाया के लिए। तो आलसाया के लिए मैं इंटरव्यू अटेंड करने के लिए उधर गया था नोएडा पे। नोएडा में एक बिजनेस सेंटर बोल के एक जगह है, उसमें मैं गया था अटेंड करने के लिए। तो जाने के बाद उधर जो ऐड दिया था, जो मैं मेरा दीवान कंसल्टेंट से मेरा जो बात हुआ था, तो ये लोग बोला था क्या 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और मैं उधर पहाड़गंज में एक होटल में था। मैं सोचा 10 बजे से अगर इंटरव्यू स्टार्ट है तो मैं चले जाता हूँ 9:30 बजे तक मैं घुस जाता हूँ उधर। तो मैं ऐसे ही चला गया था 9:15 में मैं अटेंड किया था इंटरव्यू में। जाने के बाद जो बिजनेस सेंटर है, बिजनेस सेंटर तो पूरा लॉक हुआ था और नीचे एक बड़ा सा ग्राउंड था जो पार्किंग एरिया था, उसमें मैं जाके देखा इतना ज़्यादा कैंडिडेट उधर खड़ा है और एक एक कैंडिडेट से मैं बात किया। बात करने के बाद हमको पता चला ये कितना टाइम ये लोग इधर वेट कर रहा है। तो मिडिल ईस्ट का हर एक जो इंटरव्यू रहता है ना इतना ही टाइम लगाते हैं, ठीक है। ये लोग 6 बजे, कोई 5:30 बजे, कोई 7 बजे, ये सब से लाइन लगा के खड़ा था उधर। ये 2018 का मैं बात बोल रहा हूँ, 2018 जून जुलाई में मैं गया था दीवान कंसल्टेंसी का, जो कंसल्टेंसी का जो इंटरव्यू दिया था मैं उधर। तो जाने के बाद मैं देखा ये लोग से बात करने के बाद पता चला ये लोग 6-7 बजे से लाइन में खड़ा है 10 बजे इंटरव्यू स्टार्ट होगा बोल के। तो अभी आप लोगों को पता चल गया कितना ज़्यादा टाइम ये लोग रुकता है। और मेरा जो लाइन लगा था 265 मेरा टोकन नंबर आया था, तो वो तो सही है। बिजनेस सेंटर खुला है 12 बजे,
तो 10 से 12 अभी अब आपको पता चल रहा है 2 घंटा और ज़्यादा ले लिया। उसके बाद 12 बजे हम लोग अंदर घुसा, जब अंदर गेट खुला ना, जो मेन गेट बिजनेस सेंटर का खुला था, इतना ज़्यादा उधर क्राउड है और इतना भाग दौड़ स्टार्ट हो गया, तो मैं बहुत जल्दी भागा उधर से। कोई लिफ्ट से जा रहा है ऊपर, 3rd फ्लोर में हो रहा था वो इंटरव्यू, कोई सीढ़ी से भाग रहा है, तो ऐसा ऐसा सब हम भी सीढ़ी से भागा था। सीढ़ी से भागने का बाद उधर दूसरा एक टोकन देता है, तो उधर टोकन नंबर मेरे को 100 मिला था, तो मैं 167 ऐसा कुछ मैं उतर के चला गया था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था और मैं जाके उधर इंटरव्यू अटेंड किया। इंटरव्यू 2-3-4 स्टेप में होता है। पहले उन लोगों का जो दीवान का जो कंसल्टेंट का जो खुद का एचआर रहता है, वो लोग अगर आपको चूज सिलेक्ट करेगा तो उसके बाद दूसरा राउंड के लिए भेजेगा, जिस ट्रेड के लिए आप मान लीजिए आप होटल का कोई भी सेक्टर में आप काम करना चाहते हो, ड्राइवर है कुछ भी है, तो उसी हिसाब से उसका दूसरा एचआर बैठा है जो स्पेशलिस्ट है उस हिसाब से, तो वो आपको इंटरव्यू फिर लेगा। ये दूसरा राउंड जब चलेगा, दूसरा राउंड अगर आप क्वालिफाइड हो गया तो तीसरा राउंड आपको चलेगा जो दीवान का और एक बड़ा एचआर है वो आपको लेगा। तो वो एचआर लेने का बाद तीसरा राउंड हो गया, तीसरा राउंड आप क्वालिफाइड हो गया तो फिर चौथा राउंड आपको होगा, ये क्लाइंट के साथ होगा। तो क्लाइंट के साथ अगर आपका इंटरव्यू होगा तो ये थोड़ा टाइम लगता है, बोले तो अगर 12 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो आपका नंबर आते आते आपको 4-5-6 बज जाएगा और क्लाइंट बैठा है दूसरा रूम पे, तो ऐसा ही होते रहता है। बोले तो बहुत सिलेक्ट करके और कैंडिडेट को चुना जाता है, तो इसका मैं फोटो में शेयर कर दूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कितना क्राउड होता है। तो अभी फिलहाल एक मुंबई में इंटरव्यू चल रहा था, मेरा एक फ्रेंड उधर अटेंड किया था, तो उसका ही फोटो मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसा होता है। अभी मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो भी आना चाहता है ना जो मिडिल ईस्ट कंट्री में जॉब करने के लिए, तो पहले बात है जो हम लोगों का दिमाग में चलते रहता है जो एक थॉट, जो मेरा तो इंग्लिश नहीं आता है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा शायद, तो ये जो थॉट है ना ये एकदम गलत थॉट है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में हम लोगों को आने का बाद पता चल रहा है, जो हम लोग का इधर इंटरव्यूअर होता है, जो हम लोग का मैनेजमेंट पे रहता है, बहुत और भी दूसरा जगह पे मैनेजमेंट पे रहता है, ये लोग जरा सा भी इंग्लिश इन लोगों को पता नहीं है, तो ये लोगों के पास सिर्फ अरबिक पता है, ठीक है। तो इंग्लिश हम लोग का थॉट क्या चलता है, अगर इंग्लिश हम लोग को नहीं है तो हम लोग सिलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, हम लोग को जॉब नहीं मिलने वाला है, बट एकदम नहीं है, क्योंकि इन लोगों का जो इंग्लिश इन लोगों को पता है ना ये भी टूटा फूटा पता है, हम लोग से भी कम पता है, तो इसमें जो कमजोरी है, अगर आपके पास जो एक गट रहेगा ना, आप अगर कॉन्फिडेंट है कि हमको सिलेक्ट होना ही चाहिए इस जगह में, तो आप हो जाओगे। आपका जो आँख है, आपका जो दिमाग है, अगर आप तगड़ा हो तो मिल जाएगा जॉब, मिडिल ईस्ट आने के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो ये दिमाग में हमेशा रख दो, क्या आपके पास बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड आप अंदर से हो। तो कोई भी अगर सोच रहे ना द मिडिल ईस्ट में मेरा करियर बनाऊंगा, और बहुत इजीली आप लोग बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बड़ा बात कुछ नहीं है, आराम से आप आ सकते हो और काम कर सकते हो, और बहुत इजी है इधर काम करना, इंडिया जैसा नहीं है। क्या इंडिया में एक डर रहता है कल आपको नौकरी जा सकता है, ऐसा बात नहीं है। मिडिल ईस्ट में आप अगर आ जाओगे तो आपको 2 ईयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो इसमें आप लोग ये लोग बाहर नहीं निकल सकता है। तो आप मान लीजिए आप एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ऐसा आपको फीलिंग होगा, तो आपको क्या करना चाहिए, वो मेरा इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो ऐसा है जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा कंसल्टेंसी अच्छा है, कौन सा कंसल्टेंसी अच्छा नहीं है, ठीक है, और कितना खर्च होता है, सब मेरा वीडियो में है बहुत कुछ, तो उसमें आप लोग जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। और अगर कुछ ऐसा आपको चाहिए जानने के लिए तो आप लोग वो भी समझ सकते हो, पूछ सकते हो कमेंट में, तो उसमें मैं डिटेल्स बता दूंगा। पहले बार जो है कोई भी अगर सोच रहे हैं ना मेरे को इंग्लिश नहीं आता है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये एकदम गलत है, आप लोग आराम से आ सकते हो, कॉन्फिडेंट अगर आपके अंदर है तो आप लोग क्रैक कर सकते हो और आ सकते हो मिडिल ईस्ट, कोई बड़ा बात नहीं है मिडिल ईस्ट आने के लिए। और मिडिल ईस्ट आने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, 20,000 से 25,000 खर्चा होता है, वो भी नहीं होता है किसी किसी जगह पे, बट मेट्रो सिटी से ट्राई करो, मेट्रो सिटी बोले तो मुंबई बेंगलोर और दिल्ली से ट्राई करो, दूसरा कोई भी सिटी से ट्राई मत करो, तो दूसरा सिटी से अगर ट्राई करोगे तो आपको आने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, 70-60,000 ऐसा ले लेता है, क्योंकि वो भाया हो जाता है, इसलिए आपको पैसा ज़्यादा खर्चा होता है। बट अगर मेट्रो सिटी में डायरेक्ट जाके कोई कंसल्टेंसी से डायरेक्ट बात करोगे तो आपको एकदम ज़्यादा सा भी पैसा नहीं लगेगा, अब ऐसा भी होगा तो फ्री में भी हो सकता है, ठीक है। बट मेट्रो सिटी में अगर आप जाना चाहते हो तो 20,000 तो करीबन लग जाएगा, 20 से 25,000, और कुछ कुछ टाइम ये एकदम फ्री भी होता है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट जल्दी जल्दी होना चाहता है ना, अर्जेंटली जो रिक्रूटमेंट रहता है, तो उसमें आप लोग जल्दी
अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, बस और कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखते रहिए, अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में बताइए, तो मैं उसमें डिटेल्स बताऊँगा।